अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारा ह्यूमन राइट्स का कोर्स चल रहा था, तो होपफुली आप लोगों के मिड टर्म्स भी अच्छे हो गए होंगे। तो क्यूरियस कुछ बच्चों की आई है, मोस्टली ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत समझ आ रही है या आप लोग अभी पढ़ नहीं रहे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट ह्यूमन राइट्स जो बैरिस्टर जफरुल्ला की बुक है, उसमें चैप्टर 12 है, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। देखो, हम लोग बात करते हैं राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की। अब डेफिनेशन ऑफ चिल्ड्रन पे मैं बाद में आता हूँ। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आप देख लो कि उसका जो फर्स्ट स्टेप लिया गया था वो 1924 में लिया गया था। लीग ऑफ नेशन इंडोर्स द फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी 1924 से पहले इस पे कोई बात नहीं की गई। लेकिन अगर आप इसके अगेंस्ट इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखो तो 1400 ईयर्स से पहले भी बात है, यानी 1442 चल रही है अभी हिजरी, उससे पहले ही बात हो चुकी हुई है उसकी। आप जिसको कहते हैं हमारे जो बेसिकली राइट्स ऑफ चिल्ड्रन की, इस्लाम पहले ही चीज़ें क्लियर कट कर चुका है। खैर, ये 1924 में हुआ, फिर यूनाइटेड नेशंस ने 1945 में इसकी फाउंडेशन रखी, जिसमें नेशंस को कहा गया, कंट्रीज़ को कहा गया टू प्रमोट एंड एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल। यानी एक जनरल स्टेटमेंट दी गई जिसमें एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी हैज़ अ राइट है द फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल, के हर बंदे को अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक है। फिर अदर अर्ली साइंस ऑफ मूव टू रिकगनाइज एंड प्रोटेक्ट चिल्ड्रन राइट्स आर एविडेंट इन द यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडोप्टेड बाई यूएन जनरल असम्बली इन 1948। फिर 1948 से मजीद इस पर काम शुरू हुआ आगे चिल्ड्रन के राइट्स के ऊपर। देखो, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ने क्या कहा था, ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट, एंड ऑल्सो स्ट्रेसिस दैट मदरहुड एंड चाइल्डहुड आर एंटाइटल्ड टू स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन एंड रेफर टू द फैमिली एज अ नेचुरल एंड फंडामेंटल ग्रुप यूनिटी ऑफ सोसाइटी। अब देखो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इस्लाम जिस चीज़ से मना कर रहा हो। इस्लाम ऑल ह्यूमन बींग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल, यही बात इस्लाम भी करता है, डिग्निटी और राइट्स की बात करता है। माओ के लिए क्या, ऑल्सो स्ट्रेस इज मदरहुड एंड चाइल्डहुड, बच्चों और मदर्स के लिए भी स्पेशल स्पेशल केयर और प्रोटेक्शन की बात करता है इस्लाम। फिर नेशनल एंड फंडामेंटल ग्रुप यूनिट उनको फिर एज अ फैमिली कंसिडर किया जाए। तो यही चीज़ें हमारा इस्लाम भी हमें सिखा रहा है, ठीक है। बाकी ये मतलब मजीद इसके 7 पॉइंट आया था जिसमें बाय द प्रेजेंट डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन मैन एंड वुमेन ऑल नेशन रिकग्नाइज दैट मैन काइंड ओज टू चाइल्ड द बेस्ट दैट इट हैज़ टू गिव, डिक्लेयर एंड एक्सेप्ट इट एज देयर ड्यूटी टू मीट द ऑब्लिगेशन इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी हर बंदे को जो बच्चों पर अपने बच्चों के हकूक पूरे करने चाहिए, उनको हर तरह की फैसिलिटेशन देनी चाहिए, हर तरह की उनको जो भी उनके लीगल इंटाइटल्ड इन चीज़ों के उनको फैसिलिटेट किया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंट ग्रुप्स काम करते रहे हैं, डिफरेंट एनजीओज ने काम किया है। फिर जो मेन चीज़ आती है कि यूएन जनरल असेंबली यूनानिमसली अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑन 20 नवंबर 1989 एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स और बिकम लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट पार्टीज इन सितंबर 1990। यानी सितंबर 1990 में नेशंस पे लीगल बाइंडिंग्स आ गई, यानी वो लीगली बाउंड है कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को प्रिवेल किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए। फिर देखो, द सेम मंथ द वर्ल्ड लीडर्स एट द वर्ल्ड समिट फॉर चिल्ड्रन हेल्ड एट द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क मेड अ सोलेमन कमिटमेंट टू अकॉर्ड चिल्ड्रन राइट्स अ हायर प्रायोरिटी। यानी जो वर्ल्ड समिट थी चिल्ड्रन की, उसमें ये चीज़ कहा गया कि जो चिल्ड्रन के राइट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाए, उनका सबसे पहले देखा जाए। फिर बातें चलती कि आगे फिर आया चिल्ड्रन। देखो, सिंपल से समरी क्या है इन सारी चीज़ों की, कि चाहे बच्चे पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ के हैं, चाहे डेवलप्ड नेशन के, सबके सेम राइट्स हैं।
और उसमें ये नहीं है कि कोई स्मॉल नेशन है तो कोई जैसे कह लो कि कोई गरीब मुल्क है तो उनके बच्चों के राइट्स कम हैं, अमीर मुल्कों के बच्चों के राइट्स ज़्यादा हैं. ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल, ऑल द चिल्ड्रंस हैव सेम राइट्स, देर इज़ नो सच थिंग एज अ स्मॉल राइट और नो हायरार्की ऑफ ह्यूमन राइट्स. सब एक ही लेवल पे हैं, ये नहीं कि इसके ज़्यादा राइट्स हैं, इसके कम है, इसके ज़्यादा, इसके कम है, वो नहीं, सब एक ही लेवल पे हैं. और ये उसकी कह लो कि एक समरी है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. अब देखो, द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन आउटलाइंस इन इट्स 41 आर्टिकल, कहा था द ह्यूमन राइट्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड फॉर एवरी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स. यानी हमें क्या पता 18 ईयर्स क्या रख दी गई है लिमिट, 18 ईयर से कम चिल्ड्रन की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं. एंड रिक्वायर्स दैट दीज राइट्स बी इम्प्लीमेंटेड इन द लाइट ऑफ द कन्वेंशंस गाइडिंग प्रिंसिपल. फिर आर्टिकल 42 से 45 कवर द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट पार्टीज टू डिसिमिनेट द कन्वेंशन प्रिंसिपल प्रोविजन टू अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कन्वेंशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस टूवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स थ्रू स्टेट पार्टीज ऑब्लिगेशन एंड द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट पार्टीज. यानी उन्होंने कहा कि हर स्टेट इसको रियलाइज करे कि चिल्ड्रन का जो भी राइट्स हैं उनको देखा जाए, फिर उसकी रिपोर्टिंग भी करें बाकायदा. जैसे हमारे एक बाकायदा कह लो कि मिनिस्ट्री बनी हुई, डिपार्टमेंट है जो कि ह्यूमन राइट्स को देख रहा होता है, उसकी वायलेशन हो रही है उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग होती है. अब देखो, गाइडिंग प्रिंसिपल्स, यानी देर आर बेसिकली फोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स. नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 2 की बात कर रहे हैं, आगे डिटेल में देखते हैं इसको. बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, यानी जो बच्चों के लिए बेहतर है वो किया जाए. फिर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, यानी उनके सर्वाइवल का भी बंदोबस्त किया जाए प्लस उनकी डेवलपमेंट भी की जाए, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों चीज़ें आती हैं. एंड पार्टिसिपेशन, यानी पार्टिसिपेशन बाकी अफेयर्स में, जो बाकी लाइफ की ज़रूरियात है उसमें वो पार्टिसिपेशन, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी जगह पार्टिसिपेशन हो सके. तो बेसिकली फोर बेसिक गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसको देखते हुए बाकी राइट्स बनाए गए हैं. अब उसके अलावा कुछ आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे रिकग्निशन ऑफ द इनहेरिटेड डिग्निटी ऑफ द इक्वल इनएलिबल राइट्स ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ह्यूमन फैमिली इज द फाउंडेशन फ्रीडम जस्टिस एंड पीस इन द वर्ल्ड. यानी इनहेरिटेड जो हम कहते हो कि इनहेरिटेंस डिग्निटी रिस्पेक्ट दी जाए, इक्वल इनएलिनेबल राइट्स, इनएलिनेबल राइट्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ना ख़त्म होने वाले सारे मेम्बर्स हैं. फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, पीस इन द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. फिर चिल्ड्रन फॉर फुल हारमोनियस डिवेलपमेंट उनकी हो पर्सनैलिटी की, शुड ग्रो अप इन अ फैमिली इन्वायरमेंट इन एन एटमोसफियर ऑफ हैप्पीनेस लव एंड अंडरस्टैंडिंग. फिर देखो, द चिल्ड्रन शुड बी फुली प्रिपेयर टू लिव एन इंडिविजुअल लाइफ इन द सोसाइटी, brought up in the spirit of ideas proclaimed in the charter of the united nations and in the spirit of peace dignity tolerance freedom equality and solidarity. yani dekho isko sum up aap karo, ye to unhone ek cheez ne har cheez separate clear karke rakhi hai, yani unko tamam wo cheeze milni chahiye jo ki essential hai, zaruri hai, jiske bagair survival nahi hai. aur ye jitni bhi states hain पाकिस्तान के, इंटरनेशनल जितनी भी स्टेट्स हैं, हर एक पे बाउंड है ये चीज़ें कि वो ये चीज़ें इंश्योर करवाएं कि चिल्ड्रन को प्रॉपर उनके राइट्स मिल रही हैं. फिर देखो, द चिल्ड्रन बाय रीज़न ऑफ हिज फिजिकल एंड मेंटल इमेच्योरिटी नीड स्पेशल सेफगार्ड्स एंड केयर इंक्लूडिंग अप्रोप्रिएट लीगल प्रोटेक्शन बिफोर वेल बिफोर बिफोर एज वेल एज आफ्टर बर्थ. यानी लीगल प्रोटेक्शन इवन उनके बर्थ से पहले और बर्थ के बाद, दोनों सिनेरियो में बकायदा उनको एक सेफ गार्ड और केयर मिले. फिर द ट्रेडिशन एंड कल्चर वैल्यूज ऑफ ईच पीपल हैव इम्पोर्टेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हारमोनियस डेवलपमेंट. फिर जो कल्चर वैल्यूज़ जैसे हम लोग पास ऑन करते हैं बच्चों का, ये राइट है कि उनको बताया जाए, फिर इम्पोर्टेंस बताया जाए प्रोटेक्शन के, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से उनकी अपनी जो कल्चर वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंस है वो चीज़ें बताई जाए. क्लियर हुई है बात? तो ये बेसिकली हमारे पास चार गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं और ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. अब देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही बातें हैं, वही चीज़ें ये लोग बता रहे हैं हमें, जो हमें इस्लाम बहुत पहले बता चुका होगा. वो अलग बात है, हम लोग अमल नहीं करते इन चीज़ों पर.
अब देखो डेफिनेशन अब क्या है, कह रहे राइट्स ऑफ चिल्ड्रन डिफाइन एज चिल्ड्रन ऑल ह्यूमन बींग्स अंडर द एज ऑफ 18 अनलेस द रेलिवेंट नेशनल लॉ रिकग्नाइज एज अर्ली एज ऑफ मेजोरिटी। अब देखो पाकिस्तान में भी चिल्ड्रन की डेफिनेशन में लेस देन 18 ईयर्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर देखो सेकंड स्टेटमेंट वो क्या कह रहा है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान कहता है कि हमारे इधर जो चिल्ड्रन की डेफिनेशन है 16 ईयर्स कर दी है, इसका मतलब वो लॉ आपको परमिशन दे रहा है कि अगर स्टेट कहती है कि वो 16 ईयर्स कर रही है, 20 ईयर्स कह रही है, उसकी अपनी चॉइस है, लेकिन जो ब्रॉडली एक डिसाइड उन्होंने क्या किया हुआ है वो 18 ईयर्स की हुई है। अब देखो इन सम केसेस स्टेट आर सिंपली ओब्लाइज्ड टू बी कंसिस्टेंट इन सेटिंग बेंच मार्क एज, फॉर एग्जाम्पल इन डिफाइन द एज ऑफ एडमिशन फॉर टू एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर कंप्लीशन ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन, इन अदर केसेज द कन्वेंशन सेट्स आर क्लियर अपर बेंच मार्क। अब देखो बेंच मार्क इन द सेंस जैसे कह दिया जाता है कि जी आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादी नहीं कर सकते, एक बेंच मार्क सेट हो गया, या 20 साल कर देते हैं आप, यानी वो कहते हैं एज हमने एज ऑफ चिल्ड्रन रख दिया 18 ईयर्स। लेकिन फिर कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि वो फॉर एग्जाम्पल आर्म फोर्सेस में आप 15 साल से कम बच्चे को नहीं ले सकते, उससे ऊपर का होना चाहिए। तो अब देखो उसमें एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ लिया, जैसे कैपिटल पनिशमेंट है, लाइफ इंप्रिजमेंट है, जैसे सजाए मौत है या उम्र कैद आप दे रहे हैं, तो 18 साल से बच्चे को ये चीज़ नहीं लग सकती क्योंकि वो चिल्ड्रन की डेफिनेशन में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7, यानी कि ये सज़ा उसके लिए नहीं है। 18 साल से ऊपर बंदों को ये सज़ा मिलेगी, उसको ये सज़ा नहीं मिलेगी। इसी तरह 15 ईयर से कम हो तो वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता, फोर्स आर्म फोर्सेस ज्वाइन नहीं कर सकता, 15 ईयर से ऊपर वाला कर सकता है। तो इसी तरह ना फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जंग हो जाती है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने क्या क्या 18 साल की उम्र तक बढ़ा दी है, पैर 15 साल में आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जंग में वो 18 साल का होगा तो पार्टिसिपेट कर सकता, वरना नहीं कर सकता। ये आप 25 मई 2000 को रेज करके 18 ईयर्स कर दी गई है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप एक तो एज हमारे पास 18 ईयर्स आ गई है, उसके बाद फर्दर देखना है कि आपकी डिफरेंट है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सज़ा देनी है कोई इस तरह का चाइल्ड जो वैलेंस का केस आते हैं, तो उसमें फिर हर कंट्री ने अपने अपने एक बेंच मार्क सेट किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो स्टेट आर ऑल्सो फ्री टू रेफर इन नेशनल लेजिस्लेशन टू एज ओवर 18 एज अ अपर बेंच मार्क इन डिफाइनिंग द चिल्ड्रन इन सच इंस्टेंस एंड अदर वेयर नेशनल और इंटरनेशनल लॉ सेट चाइल्ड राइट्स स्टैंडर्ड दैट आर हायर देन दोज इन द कन्वेंशन ऑफ द चाइल्ड ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, द हायर स्टैंडर्ड्स ऑलवेज प्रीवेल्स। यानी वो क्या है, एक हायर स्टैंडर्ड बना दिए गए, अब उनके कि बेंच मार्क है 18 साल, 18 साल से ऊपर आप कर सकते हो, नीचे नहीं आ सकते अगर आप चिल्ड्रन की डेफिनेशन की बात करते हो। अब हमारे पास आते हैं कि राइट्स कौन कौन से गारंटी हैं, देर आर 40 राइट्स। अब इन सब को हम देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, बेस्ट इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक सोशल राइट्स है, राइट्स ऑफ पेरेंट्स है, सर्वाइवल डेवलपमेंट है, इसमें कोई लंबी चौड़ी ABC नहीं है कि इसमें आप कह लो कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है या कोई मुश्किल चीज़ है, बड़ी आसान सी सिंपल सी चीज़ें हैं। आप देखो इसको प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका, अपने आप को बच्चे कंसिडर करो और फिर इसको स्टडी करो। सबसे पहले बात आ रही है नो डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा आपने वो हदीस सुनी होगी, मेरा हदीस है मुबारक है, किसी अरबी को अजीब पर, किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत नहीं। यानी जब डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि आप किसी को डिग्रेड करते हो अगेंस्ट समवन एल्स। अब देखो द गवर्नमेंट आर ऑब्लिगेटेड टू रिस्पेक्ट एंड इंश्योर द राइट्स सेट फोर्थ इन द प्रेजेंट कन्वेंशन टू ईच चाइल्ड विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड रिस्पेक्टिव द चाइल्ड हिज और हर पेरेंट्स लीगल। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन क्या, रेस है, ये जात पात की बेस पे, कलर है, सेक्स है, मेल है, फीमेल है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, पॉलिटिकल अदर ओपिनियन, नेशनल है, एथनिक है, सोशल रिलीजन है, प्रॉपर्टी है, डिसेबिलिटी है, बर्थ है, अदर स्टेटस है। दे शैल टेकन ऑल अप्रोप्रिएट मेथड टू इंश्योर दैट चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और पनिशमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस एक्टिविटीज एक्सप्रेस ओपिनियन और बिलीव। अब देखो लॉ भी है, इंटरनेशनली भी है, आपके सामने अमेरिका में देखो काले लोग, ब्लैक लोग पीपल हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। हम लोग कहते हैं ना कि लेट्स सपोज मैं भी यूके रह के आया हूँ, अमेरिका भी विजिट करके आया हूँ, बेशक सब लोग कहते हैं जी हमारे पास नेशनैलिटी है, वहाँ पे रहते हैं, बट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है।
वो लोग जो गोरा पीपल है ना, गोरा फैक्टर जो है वो लोग पसंद नहीं करते। डिस्क्रिमिनेशन होती आ रही है, हो रही है और होती रहेगी जब तक मेंटली आपकी, देखो लॉज अवेलेबल है हर चीज़ है, लेकिन माइंड सेट जब तक आपका चेंज नहीं होगा ना तब तक नहीं हो सकता। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद क्या करते हैं कि हमारे घर को काम वाला उसके बच्चे को हम वो चीज़ नहीं देते, अपने बच्चों को हर प्रेफरेंस देते हैं लेकिन वो बच्चे उनके आ रहे उनको पसंद ही नहीं करते हैं। हमारे इवन हमारे पाकिस्तान में कई इलाकों में चले जाओ, जैसे मज़ारे लोगों ने रखे हुए हैं, डेली वेजिस पे रखे हुए हैं, बच्चे काम करने, छोटे छोटे बच्चे काम करने लगे हुए हैं। तो अब देखो लॉज हैं पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, जब हमारी ये चीज़ चेंज होगी, ये दिमाग हमारा चेंज होगा, हमारी सोच बदलेगी। फिर देखो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, अब बेस्ट इंटरेस्ट का क्या मतलब है, इन सिंपल मैं इसको सिंपल ही कहूँ ना कि जो आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो ना वही आप दूसरे बच्चों को सोचो। आप अगर चाइल्ड डिपार्टमेंट में हो ना, चाइल्ड ब्यूरो डिपार्टमेंट हमारा बाकायदा बना है जो इन चीज़ों को इंश्योर करवाता है, आपने वहाँ पे काम करना है ना, तो आप ऐसे सोचो जैसे आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब देखो बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, यानी वो काम करो जो उनके फ़ायदे के लिए है, जो उनको बेनिफिट देगा। अब देखो इट शैल बी प्राइमरी कंसिडरेशन ऑल एक्शन कंसर्निंग चिल्ड्रन वेदर अंडरटेकन बाय पब्लिक और प्राइवेट सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कोर्ट ऑफ लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज। द गवर्नमेंट शैल हैव टू टेक ऑल अप्रोप्रिएट लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स टू इंश्योर द चिल्ड्रन सच प्रोटेक्शन केयर एज नेसेसरी फॉर हिज और हर वेलबींग। यानी गवर्नमेंट क्या, प्राइवेट सेक्टर क्या, गवर्नमेंट सेक्टर क्या, हमारा कानून क्या, अदालतें क्या, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या, यानी सब के इंश्योर करें कि वो काम किए जाएं जो के चिल्ड्रन के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। अब देखो आपने अक्सर देखा होगा बच्चे बाहर मांगते हुए नज़र आ रहे हैं आपको, वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ये भी इनिशिएटिव लिया हुआ है कि जो चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर कर रहे हैं उनको बकायदा एजुकेशन दी जाए। अब कई लोगों को इस हद तक मजबूरी है कि उनके बच्चे जब तक बाहर काम के लिए नहीं जाते, को 150 ले नहीं आते, वो खाना भी नहीं खा सकते, उन्हें फिर भेजना पड़ता है, वो प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं। अब देखा जाए इस्लामिक हमारा एक वेलफेयर स्टेट है, फ्लाई कंट्री है। इसका वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है कि कोई बंदा भी ना यहाँ पे भूखा ना सोए, बेसिक नेसेसिटी सबको पूरी मिल रही हो। लेकिन अभी मौजूदा कंडीशंस जो हमारे मुल्क के हालात रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उस वजह से अभी तक हम वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, और दुआ करें कि हो जाए, टाइम आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह हर चीज़ में बेहतरी करेगा। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। अब देखो इकोनॉमिक राइट्स क्या हैं कि वो हर किस्म की इकोनॉमिक फैसिलिटी, सोसाइटी के अंदर नाम, हर चीज़ें मिलें आपको। देखो इसमें भी क्या है, डायरेक्ट किसको कह रहा है, कानून को, जो कानून इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कि क्या हर तरह से रिकॉग्नाइज किया जाए इसको, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स को। विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चर राइट्स, द स्टेट पार्टीज हैव टू अंडरटेक सच मेजर टू मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज एंड वे नीडेड विद इन फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। यानी अगर ये चीज़ें उनको प्रॉपरली नहीं मिल रही, यानी उनके पास खाने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं है, इकोनॉमिकली वीक हैं, या सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट लेवल नहीं मिल रहा, तो वो इंश्योर करें कि इन चीज़ों को इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल लोगों कंट्री से हेल्प लेते हुए, यूएन से हेल्प लेते हुए प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाया जाए। फिर देखो राइट्स ऑफ पेरेंट्स हैं। अब देखो चिल्ड्रंस के साथ पेरेंट्स के भी हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पेरेंट्स और मेंबर ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली कम्युनिटी, लीगल गार्डियन, द पर्सन लीगल रिस्पॉन्सिबल फॉर द चाइल्ड एज प्रोवाइड बाय द लोकल कस्टम टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन गाइडेंस इन द एक्सरसाइज बाय द चाइल्ड ऑफ द राइट्स रिकॉग्नाइज इन द प्रेजेंट कन्वेंशन। यानी वो कह रहे हैं कि आपने पेरेंट्स को भी सिखाना है, पेरेंट्स को भी बताना है, या उसका गार्डियन है। देखो फॉर एग्जाम्पल खुदा ना हासा फादर की डेथ होगी, लीगल गार्डियन जो हमारा लॉ है मदर आ जाती है, मदर की हो जाती है फादर आ जाता है, दोनों की हो जाती है तो उनके जो मजीद फैमिली मेम्बर होगा उसमें कोई ना कोई लीगल गार्डियन मान जाता है। यानी चाहे लीगल गार्डियन है, चाहे उनके पेरेंट्स हैं, या वो कह लो कुछ वट एवर द सिनेरियो,
उस सब में क्या उनको गाइड करना है कि उन्होंने कैसे एक्सरसाइज करना है, कैसे चिल्ड्रंस के राइट्स को अवेल करना है। फिर सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, हर बंदे को, हर बच्चे को जीने का हक है, राइट टू लाइफ। अब ईदी साहब को अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस में आला जगह दे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया जो कि अभी भी चल रहा है। उन्होंने बेसिकली स्टार्टअप ही यहाँ से लिया था कि हर बच्चे को प्रॉपर घर दिया जाए। लोग क्या करते थे, बच्चों को फेंक के चले गए हैं, अपनी गलतियों की सजा बच्चों को मिलती, वो क्या है। अब ये काम बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे होने चाहिए। द स्टेट पार्टी हैव टू इंश्योर मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल द सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। फिर नेम एंड रजिस्ट्रेशन, हर बच्चे को रजिस्टर्ड होना। देखो हम गाड़ी लेते हैं ना, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जी कि हमारी गाड़ी है, हमारे नाम पे है, हमने गाड़ी का ये नंबर है, ये आइडेंटिटी है। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है, आप उसको जाते हो बल्दिया में, जाते हो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लेते हो, बर्थ सर्टिफिकेट क्या, उसकी रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको नाम हो गया, आइडेंटिटी हो गई, ये बच्चा फलाने का बच्चा, फलाना इसकी माँ है, फलाना दादा है इसका, वो क्या एक आइडेंटिफिकेशन हो गई है। और वो इंश्योर करें कि हर बच्चा प्रॉपरली नेम एंड रजिस्ट्रेशन उसकी हो। फिर आइडेंटिटी मिलना, पाकिस्तानी है ये आइडेंटिटी है, फलाने का बेटा है ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब वेयर अ चाइल्ड इज इलीगली डिप्राइड ऑफ सम ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ हिज ऑरल आइडेंटिटी, स्टेट पार्टी शैल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट असिस्टेंट एंड प्रोटेक्शन विद अ व्यू टू स्पीडली रिस्टेब्लिश हिज और आर आइडेंटिटी। यानी वो यहाँ तक कह रहे हैं कि किसी बच्चे को अगर आइडेंटिटी नहीं मिल रही, जो होता है इंटरनेशनली भी होता है कि बच्चे मतलब विदाउट मैरिजेज आ रहे हैं, इलीगल आ रहे हैं, तो उनको बकायदा स्टेट पार्टीज ऐसे काम करें कि उनको प्रॉपर आइडेंटिटी दी जाए। फिर नो सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स। देखो आपने अक्सर मूवीज़ वगैरह भी देखी होंगी कि अक्सर सेपरेशन पेरेंट्स में हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में एक एज लिमिट होती है कि आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक 7 साल तक बच्चे जो है माँ के पास रहना है कानूनी तौर पे है। उसके बाद जो उनकी अच्छी परवरिश कर सकता है ना, वो देखा जाता है फाइनेंशियली कौन ठीक है, कोर्ट उसको कहता है कि वो चाहे फादर कर ले या मदर कर ले। तो ये भी है कि पेरेंट्स से सेपरेट नहीं कर सकते। अब इवन यूके में ये भी लॉ है, अमेरिका में ये लॉ है, पेरेंट्स अक्सर हम लोग तो बच्चों को दो चार लगाए ना, मारे दो चार थप्पड़, चलो जी साइड पे हो जाओ। अगर वहाँ पे आपका बच्चा है 12-13 साल का, वो जाके पुलिस को कंप्लेन कर देना कि जी मुझे पेरेंट्स मुझे मार रहे हैं, वो बच्चे को उठाएंगे अपनी कस्टडी में लेंगे, गवर्नमेंट के बकायदा इदारे बनेंगे, वहाँ पे उसकी परवरिश होगी, पेरेंट्स को सज़ा मिलेगी, वो सेपरेट कर देंगे। लॉ कहते हैं सेपरेट ना करो, लेकिन सेपरेट करना पड़ता है अगर पेरेंट्स प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। देखो द स्टेट पार्टी शैल रिस्पेक्ट द राइट ऑफ चिल्ड्रन हु इज सेपरेटेड फ्रॉम वन और बोथ पेरेंट्स टू मेंटेन पर्सनल रिलेशन एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद बोथ पेरेंट्स और ऑन अ रेगुलर बेसिस। वे सच सेपरेशन रिजल्ट फ्रॉम एनी एक्शन इनिशिएटेड बाय अ स्टेट पार्टी सच एज डिटेंशन, इंप्रिजनमेंट, एक्जाइल, डिटॉर्शन और डेथ ऑफ वन ऑफ द बोथ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड, इट शैल अपॉन रिक्वेस्ट प्रोवाइड द पेरेंट द चिल्ड्रन और अदर मेंबर ऑफ द फैमिली विद एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द वेयर अबाउट्स ऑफ द एबसेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। मैं अभी आपको सिंपली बताऊँ, एक फैमिली थी यूके से पाकिस्तान आई दिसंबर में, अभी रिसेंटली बात है, वो आगे पाकिस्तान लॉकडाउन था, स्कूल बंद थे, स्कूल बंद हो गए वहाँ पे, उन्होंने स्कूल को इन्फॉर्म नहीं किया, छुट्टियाँ ली 2 हफ्ते की, आ गए यहाँ पे, आके उनका स्टे लंबा हो गया 2-3 महीने का। उन स्कूल वालों ने ना उस बच्चे की एबसेंटीज देखी तो उसको चिल्ड्रन डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया कि बच्चा लॉस्ट है, गुम गया है। उन्होंने उसके फादर को ईमेल की कि आपका बच्चा किधर है, हमें रिपोर्ट मिले, फ़ौरन रिपोर्ट करें। वो पाकिस्तान थे, उन्होंने मुझे कहा, मैंने खैर उन्हें बताया कि पाकिस्तान में इस तरह ये सिचुएशन हो गई है, टिकट्स वगैरह का इशू आ गया, तो आ जाएंगे। फिर मीन वाइल वो कॉन्टीन्यूसली इन कॉन्टेक्ट रहे हैं, इन कॉन्टेक्ट रहने के बाद एंड पे जाके उन्होंने सारी चीज़ें फाइनलाइज़ की हैं कि उन्हें बताया बच्चा वहाँ पहुँच गया, स्कूल रिपोर्ट किया है, डिपार्टमेंट आके देख के गया है, वार्न करके गए कि नेक्स्ट टाइम आपने इस तरह नहीं करना। तो ये चीज़ होती है बेसिकली, देखनी पड़ती हैं। राइट ऑफ री यूनियन, एवरी चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स हैव द राइट टू एंटर और लीव अ स्टेट पार्टी फॉर द पर्पज ऑफ फैमिली री यूनिफिकेशन एंड द स्टेट पार्टी शैल डील विद सच एप्लीकेशन अ पॉजिटिव ह्यूमन एंड एक्सपीडिशियस मैनर। द स्टेट पार्टी शैल फर्दर इंश्योर डैट द सबमिशन ऑफ सच अ रिक्वेस्ट शैल इंटेल नो एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज
फॉर द एप्लीकेंट्स एंड फॉर द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। यानी आप अगर दूसरे मुल्क में जाना चाहते हो फैमिली, जैसे देखो सिंपल सी बात है, अक्सर क्या होता है पेरेंट्स को नेशनलिटी यूके की मिल गई है, वो अपने बच्चों को बुला लेते हैं, दैट इज़ राइट ऑफ यूनियन, यानी हक है कि फैमिली इकट्ठी रह सकती है। और उसमें बाकायदा कंट्रीज़ को ये कहा जाता है कि आप इस तरह के वो वीज़े दें, वीज़े उनके रोके ना, उनके सारी चीज़ें लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करें लेकिन फुलफिल करें हर चीज़। देखो अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स रिसाइड इन डिफरेंट स्टेट शैल हैव द राइट टू मेंटेन ऑन अ रेगुलर बेसिस पर्सनल रिलेशन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद बोथ पेरेंट्स। क्लियर हुई ये बात? प्रिवेंशन फ्रॉम इलिसिट ट्रांसफर, द स्टेट पार्टी शैल टेक मेजर्स टू कम्बैट द इलिसिट ट्रांसफर एंड नॉन रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन अब्रॉड। फॉर दिस पर्पज द स्टेट पार्टी शैल प्रमोट द कंक्लूजन ऑफ बायलेटरल और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स ऑन असेसिंग टू एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स। अब देखो क्या है कि चिल्ड्रन, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान आ गए, वापस जाना उन्होंने, रिपोर्ट हो गए हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, लेट सपोज यूरोप से कोई बच्चा फादर लेके पाकिस्तान आ गया, इस तरह एक केस मैंने सुना भी था कि वो एक बंदे ने शादी की भी थी फॉरनर से, ठीक है, बाहर गोरी से एक यूरोप में। अब उसके जब अपने बेटा था, बेटी थी, बेटा मुझे याद नहीं है, वो आपको पता कल्चर वहाँ पे होता है, फिर हमारी गैरत भी जाग जाती है, वो अपने बच्चों को उस कल्चर से बचाने के लिए पाकिस्तान में ले आया। अब वो गोरी ने कंप्लेन की, कंप्लेन करके बाकायदा आके पुलिस के, पाकिस्तानी पुलिस के साथ मिलकर उसके घर से आके उस बच्चे को वापस लेके गए थे। यानी क्या है, कोई ऐसा इलिजिटिमेट काम ना हो, प्रॉपर हर चीज़ देखी जाए। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास आता है कि राइट ऑफ पार्टिसिपेशन, द स्टेट पार्टी शैल इंश्योर टू द चाइल्ड हु इज़ कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हिज और हर ओन व्यूज द राइट टू एक्सप्रेस दोज व्यूज फ्रीली इन ऑल मैटर्स अफेक्टिंग द चिल्ड्रन। यानी बच्चा अगर चाहता है कि लेट सपोज मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, उसकी अपनी व्यूज़ हैं, अपनी लाइफ है, अपनी लाइफ जिंदगी गुजारना चाहता है वो गुजारे। द चाइल्ड शैल इन पर्टिकुलर to be provided the opportunity to be heard in any judicial and administrative proceeding affecting the child either directly or through a representative or an appropriate body. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, जो भी क्यूरीज हो आप लोग मुझसे पूछ लें। टेक केयर योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज। Thank you.